ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे जहाँ पर लिखा है आई लव माना, यहाँ पर ना वो लिखा है प्रथम ग्राम माणा। ये अपने भारत का पहला शौचालय है माणा गांव का। माणा गांव एक ऐसी जगह जिसे हमारे भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसे प्रथम गांव का दर्जा दिया गया है। यहाँ का ये सुबह के 6 बजे का खूबसूरत सा नज़ारा मन को मोह लेने वाला था। माणा गांव बद्रीनाथ से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। बद्रीनाथ मंदिर जब भी आप आए तो माणा गांव का भी प्लान बना सकते हैं। कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ बद्रीनाथ से, और हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही हैं ऊपर से। देखिए बादल, पानी बरसने वाला मौसम हो गया ना, तो देखिए पूरा बारिश का, पूरा बादलों का छा गया है ऊपर। और ये देखिए स्नो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशवर पूजा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके चल रही हूँ माणा गांव, जो कि बद्रीनाथ धाम से बहुत ही पास पड़ता है, लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। यहाँ पैदल भी आ सकती हैं और यहाँ पे एक ट्रैकिंग भी होती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर ही सरस्वती नदी आपको देखने को मिलेगी, तो चलते हैं देखते हैं। वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, देखते हैं ब्लॉग में क्या होता है। अभी हम लोग को खुद भी नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं, हम लोग पहली बार आए हैं ना। इस खूबसूरत से विलेज में आते ही आपको छोटे छोटे से होम स्टेज भी देखने को मिलेंगे। हालांकि यहां पर होटल्स की सुविधा नहीं है, क्योंकि ये जगह प्रकृति से बहुत अच्छे से कनेक्ट है, और यहां पर आपको खाने पीने की छोटी मोटी दुकानें भी मिलेंगी। यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ही सरस्वती नदी के आपको दर्शन होंगे, और सरस्वती नदी जो तुरंत पाताल में जाकर गायब हो जाती है, ऐसी नदी के आपको यहाँ पर दर्शन होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सरस्वती माँ के दर्शन किए, फिर उसके बाद सरस्वती नदी के दर्शन किए, और सरस्वती नदी के दर्शन हम लोगों ने जिस पुल से खड़े होकर किए थे, उसके सामने ही भीम जी ने एक पुल का निर्माण किया था, जिसे भीम पुल के नाम से आज भी जाना जाता है। वो उन्होंने द्रौपदी जी को पुल पार कराने के लिए उस पुल का निर्माण किया था, सिर्फ एक पत्थर के माध्यम से। ये है भीम पुल और ये सरस्वती नदी है, ये पहाड़ों से आती है और यहाँ पे ये है हमारा प्रथम मंदिर माणा विलेज। तो पहले ये लास्ट मंदिर था, अभी प्रथम मंदिर है, और इस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ है। देखिए भीम जी ने पुल डाल के मोदी जी ने पुल बनाया। सरस्वती नदी के बिल्कुल सामने एक रास्ता जाता है स्वर्ग के लिए रास्ता। यहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे, वो एक ट्रैकिंग है जो 5 किलोमीटर की है। फिर उसके आगे जाके आपको वाटरफॉल मिलने वाला है, वसुधारा वाटरफॉल, जिसे वासुकी वाटरफॉल भी कहते हैं। ये है स्वर्ग रोहिणी मार्ग का प्रवेश द्वार। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा करके आपको जो वसुधारा फॉल मिलेगा, उसकी ये मान्यता है कि इस वसुधारा झरने का पानी सिर्फ अच्छे लोगों के ऊपर गिरता है, पापियों के ऊपर इसकी एक बूंद भी नहीं गिरेगी। वो लिखा है प्रथम ग्राम माणा। और ये रही अलकनंदा नदी जो बहते हुए आगे जा रही है। उस तरफ एक मंदिर बना हुआ बहुत दूर है, मेरे पैरों की चोट थी तो मैं ऊपर नहीं जा सकी। और अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ व्यास गुफा और गणेश गुफा की तरफ, क्योंकि माणा गांव में ये तीन ही जगह ऐसी है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ से गणेश गुफा 500 मीटर अभी और ऊपर है। मैं आपको भगवान गणेश की गुफा में इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ बैठकर व्यास जी ने महाभारत की कथा का वाचन किया था, और गणेश गुफा में बैठकर गणेश जी ने कथा लिखी थी, इसलिए इस गुफा को गणेश गुफा भी कहते हैं। इधर से चलना है।
गणेश गुफा में गणेश जी के दर्शन करने के बाद यहीं से लगभग 500 मीटर थोड़ा दूर चलकर जाने पर आपको व्यास जी की गुफा भी देखने को मिलेगी। वैसे तो यह एक छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों सालों पहले महर्षि वेद व्यास जी ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों का संकलन किया था। इसी गुफा में वेद व्यास ने भगवान गणेश की सहायता से महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। व्यास गुफा की छत को लेकर भी एक बेहद रहस्यमय धारणा लोगों के बीच प्रचलित है। कहा जाता है कि महाभारत की कहानी का वो हिस्सा है जिसके बारे में महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश के अलावा और कोई नहीं जानता। वेद व्यास जी ने भगवान गणेश से महाभारत के वो पन्ने लिखवाए थे, लेकिन उसे उस महाकाव्य में शामिल नहीं किया था और उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर बना दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सा राज था जो वेद व्यास दुनिया को बताना नहीं चाहते थे। लेकिन पहली नज़र में तो व्यास गुफा में जो छत है वो ऐसी लगती है कि जैसे उसके ऊपर कोई विशालकाय पुस्तक रखी हुई हो। यहाँ पर एक कैफे में बैठे जिसका नाम है आई लव माना। बना वीडियो इसकी। लास्ट विलेज में हम लोग पास्ता खाते हुए दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये बोली हमारी पहला विलेज और लास्ट विलेज। पहले लास्ट था, पहला है ये। अरे यार, जो जिसको जो मानना है वो मान लो। माना ही तो है, हाँ, इसलिए माना ही है। एक ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे जहाँ पर लिखा है आई लव माना। यहाँ पर ना फोटो सेल्फीज कैप्चर करवाने की वजह से हम लोग को ऑर्डर देना पड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे, वरना हम बाहर ही खा लेते हैं। और ही भाई तुम्हें रेस्टोरेंट का नाम बता देंगे। हाँ, रेस्टोरेंट का नाम बताइए, क्या है? वे टू हेवन। क्या पानी तो वे टू हेवन? वे टू हेवन, वे टू हेवन है यहाँ का। हमने देखा नहीं था ना, हम सीधे दौड़ के ऊपर ही आ गए थे। अरे तैया, अरे हम बोल ही नहीं रहे फालतू का। ये अपने भारत का पहला शौचालय है माणा गाँव का। दोस्तों, माना गांव में आने के बाद एक चीज कॉमन जरूर मुझे थी कि यहाँ पर कोई भी शॉप होगी आप उसके ऊपर बोर्ड में दिखेंगे तो यही लिखा रहेगा कि प्रथम दुकान माना, या फिर प्रथम चाय की दुकान, भारत की प्रथम दुकान, इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, मैंने आपको कुछ ही खूबसूरत से नज़ारे दिखा पाई हूँ इस छोटे से व्लॉग में। और देखिए, यहाँ पर भी लिखा है पुनः पधारिए। ये था मेरा फर्स्ट विलेज माना गांव का व्लॉग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।